हेलो एवरीवन, वेलकम टू महल्स किचन। सेंगे की फली है और पता नहीं कैसे बनाना है, तो चलिए रेसिपी देखते हैं, मम्मी बताएगी हमें। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स की ओर चलते हैं। हमने यहाँ 300 ग्राम सेंगे की फली ले ली है और इसे ऐसे काट लिया है। 2 मीडियम साइज का टमाटर लिया है और इसे कट कर लिया है। स्वाद अनुसार नमक लेंगे। आधा टीस्पून हमने हल्दी का पाउडर लिया है और 1.5 टीस्पून हमने मिर्ची का पाउडर लिया है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज को हमने चॉप करके ले लिया है। तड़के के लिए हमने 1 टीस्पून राई ली है, आधा टीस्पून जीरा लिया है और कड़ी पत्ता लिया है और 2 चुटकी हमने हींग लिया है। अब जो भी बर्तन आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। उसमें ये फली डालें, टमाटर डालें, हल्दी, मिर्ची और नमक डाल दें और उसी के साथ 3/4 कप पानी डाल दें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम गैस पे चढ़ा देंगे। ढक कर इसे हमें मीडियम आंच पर पानी सूखने तक इसे पकाना है। पानी सूख चुका है और हमारी फली पक चुकी है। अब गैस ऑफ कर लें। अब एक दूसरा बर्तन ले लें और इसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। तेल आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। जब तेल गर्म हो जाए तब इसमें राई और जीरा डाल दें और जब ये स्प्लटर हो जाए अच्छी तरीके से तब इसमें हम कड़ी पत्ता और हींग डाल देंगे। अब इसमें हम प्याज डालेंगे और प्याज को हमें सॉफ्ट और ट्रांसलूसेंट होने तक भूनना है। प्याज अब सॉफ्ट हो चुका है, ट्रांसलूसेंट हो चुका है। अब इसमें हम फली ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो बस ये हमारा डिश रेडी है। इसे ट्राई करें और बताएं हमें आपको कैसा लगा। ये बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इसी के साथ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।